भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीते दिन से उज्जैन के दौरे पर हैं। बता दें इस दौरान वो आज यानी 19 सितंबर को 9:50 पर उज्जैन पहुंचेंगी और फिर 10:10 पर बाबा महाकाल की आरती में शामिल होंगी। जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए आज यानी 19 सितंबर को खैरथल तिजारा जिले की जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं समाधान कार्यक्रम आयोजित होगा। हरियाणा के लिए भाजपा आज यानी 19 सितंबर को रोहतक में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बता दें कि जिसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रोहतक पहुंचेंगे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी रहेंगे। इंडिया और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत आज यानी 19 सितंबर से होगी। बता दें कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का फर्स्ट टेस्ट मैच आज से चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। डीयू स्पॉट एडमिशन के शेड्यूल के अनुसार खाली सीटों की लिस्ट आज सुबह 10 बजे पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। बता दें जिसके बाद कैंडिडेट्स 19 सितंबर को रात 11:59 तक स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। रायपुर में आज यानी 19 सितंबर को गणेश विसर्जन की झांकी निकलेगी। बता दें कि ट्रैफिक रूट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि डीजे धमाल में अब भी सस्पेंस बरकरार है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नारनौल में आज यानी 19 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। बता दें प्रधानाचार्य विनोद खनगवाल ने बताया कि कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के तत्वाधान में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। टिमरनी स्टेशन के पास स्थित रेल गेट पर मरम्मत कार्य किया जाएगा, जिसके चलते रेलवे फाटक आज यानी 19 सितंबर से 23 सितंबर तक 5 दिनों के लिए बंद रहेंगे। बता दें कि रेलवे संपार 208 SPL आवश्यकता अनुसार बंद रखा जाएगा। ऑनर आज यानी 19 सितंबर को देश में ऑनर 200 लाइट को पेश करेगा। बता दें कि पहले से ही ग्लोबल स्तर पर लॉन्च किया जा चुका है। आज यानी 19 सितंबर को बारिश हल्की हो जाएगी, बादल छाए रहेंगे। बता दें कि अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रह सकता है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1581 में आज के दिन सिखों के चौथे गुरु सिख गुरु रामदास का निधन हुआ था। साल 1962 में आज के दिन भारत की उत्तरी सीमा पर चीन द्वारा आक्रमण हुआ था। साल 1979 में आज के दिन भारतीय तीरंदाज सत्यदेव प्रसाद का जन्म हुआ था। साल 1983 में आज के दिन ब्रिटिश उपनिवेश कैरिबियन द्वीप सेंट किट्स एवं नेविस स्वतंत्र हुआ था। साल 2014 में आज के दिन एप्पल आईफोन 6 की बिक्री शुरू हुई थी। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।